मन को उपयोग में ना किया जाए तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। डियर मेंबर्स ऑफ रोजमेरी फैमिली एंड हैप्पीली लिविंग पर्संस ऑन द अर्थ, प्रायः एक प्रश्न मेरे से पूछा जाता है कि आपके चेहरे की मुस्कान और आपके अंदर जो आशा और विश्वास है वो कहां से आया और कैसे आया। अर्थात अगर हम खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, कंफ्यूजन और डाउट फ्री रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देश के लिए धरोहर के रूप में, संपदा के रूप में और समाज के लिए नमक के रूप में हमारा प्रयोग हो सके, अर्थात हम उपयोगी हो सके, हम आनंदमय हो सके, उसके लिए हमें क्या करना होता है। दुनिया का सबसे संपन्न व्यक्ति, सबसे खुश व्यक्ति, सबसे शांत व्यक्ति कौन होता है? और सबसे परेशान व्यक्ति, दुखी व्यक्ति कौन होता है? ये कुछ प्रश्न हैं जो हमेशा हर व्यक्ति के मन में घूमते रहते हैं और हर बार उसके अलग अलग उत्तर होते हैं। साथियों, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होती कि परिश्रम, जिसे हम इंडस्ट्री भी कहते हैं, डिलीजेंस भी कहते हैं, परसीवरेंस भी कहते हैं, हार्ड वर्क भी कहते हैं, सभी गिजाओं से, सभी टॉनिक से, सभी खुराकों से अच्छा होता है। मेहनत शरीर, मन, आत्मा सभी को शांति प्रदान करती है और इतनी अधिक मात्रा में आनंद प्रदान करती है कि हमारे पास उसको बयान करने के वास्तव में शब्द भी नहीं होते। जो लोग अति उत्साही परिश्रमी होते हैं वही दुनिया में कम्युनिटी के, सोसाइटी के, कंट्री के, फैमिली के हैप्पीएस्ट पर्संस होते हैं। ऐसे लोग जो प्रसन्न रहते हैं, जो अपने नित्य प्रति कार्य को सुबह से रात तक बिना सोचे लगे रहते हैं, अपना नित्य का कार्य करते रहते हैं और दुनिया में जो कुछ भी है उसे चलते रहने देते हैं, वो लोग स्वयं भी प्रसन्न रहते हैं और उनकी वजह से कोई और दुखी भी नहीं होता। ऐसे ही लोगों को हम देश की धरोहर, देश की संपदा, देश की विरासत, देश का आधार, देश का मान, देश का सम्मान कहते हैं। और ऐसे ही लोग इस धरती पर, जिस पर वो इस संसार में, जिसमें वो इस ब्रह्मांड में जो जिस पर वो विचरण करते हैं उसके लिए वरदान के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे लोग हो सकता है कि अमीर तो ना हो लेकिन रईस जरूर हो। ऐसे लोग प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन क्या करते हैं? वो कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी मीन्स सुपरफ्लूटी ऑफ मनी नहीं होता, पैसे का आधिक्य नहीं होता, पैसे से मिलने वाली शांति होती है। क्यों? जो मिल गया उसी में संतुष्ट हैं, उसी में आनंदित हैं, उसी में सतत
सच्चिद आनंद की अनुभूति, सच्चिदानंद और ईश्वर की अनुभूति करते हैं। ऐसे ही लोग जो संतुष्ट और शांत होते हैं, वो अपने लिए और अपनों के लिए जो कुछ भी है उसके माध्यम से बहुत कुछ कर पाते हैं। ऐसे लोग खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, संपन्न होते हैं, क्योंकि उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम प्रसन्न रहें, तो हमें एक्टिव रहना होगा, हमें बीमार नहीं पड़ना होगा, हमें परेशान नहीं होना होगा, हमें स्वार्थमय जीवन नहीं जीना होगा, हमें बीमार लोगों को स्वस्थ करना होगा, हमें दूसरों की परेशानियों को अपनी मानकर उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। जिस प्रकार से एक चाबी, उससे अगर बार बार ताला नहीं खोला जाता तो उस पर जंग लग जाता है, ठीक इसी तरह से मनुष्य के अंगों का, मनुष्य के मन बुद्धि मस्तिष्क का निरंतर हमेशा प्रयोग नहीं किया जाता तो उसमें भी जंग लग जाता है, उसमें उदासी, निराशा, हताशा आने लगती है। तो बोयंसी ऑफ स्पिरिट यानी कि आत्मा की स्वतंत्रता और स्वास्थ्य को आवश्यक है कि हम उसे खाली ना छोड़ें। जैसे एक चाबी पड़ी पड़ी हो तो उस पर जंग लग जाता है, ठीक इसी तरह से मन को उपयोग में ना किया जाए तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये बात हमने बार बार सुनी है, पढ़ी है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अस्वस्थ ना रहें, हम बेकार की कल्पनाओं में ना जिए, हम अच्छे से अच्छा आनंदमय जीवन जिसके लिए ईश्वर ने हमें भेजा है उसे बिता सके। तो आवश्यक है कि हम कार्य करते हुए अपने जीवन का मूल्यांकन करते हुए उसके अंदर से कमियों को निकालें, अच्छाइयों को डालें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।